कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच गाजीपुर में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों गाजीपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के जो मरीज मिले हैं उनमें से अधिकतम प्रवासी ही हैं। ऐसे में अपने इलाकों में दुबिहा करमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने अपने क्षेत्र में आए हुए प्रवासी श्रमिकों का हाल जाना। इसके लिए उन्होंने बुधवार को क्षेत्र के जोगा करमुद्दीनपुर गोड़ौर दुबिहा नेवादा हरदासपुर कमसड़ी गांव में गए प्रवासी मजदूरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बाहर से आए हुए श्रमिकों को आइसोलेशन यानी एकांत में रहने की सलाह दी और बिना वजह घूमने से मना भी किया। उन्होंने उन श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा। इसी क्रम में थाना प्रभारी ने करीमुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान पति राजेश राय व जोगा मुसाहिब के प्रधान आशुतोष राय हाकिम की तारीफ भी की। इन ग्राम प्रधानों द्वारा गांव के बाहर स्कूलों में ही प्रवासी श्रमिकों को रुकने खाने व मनोरंजन के लिए टेलीविजन की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि इस समय काफी संख्या में शहरों से प्रवासी श्रमिकों का गांव में आना शुरू हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों में इस बात का भय व्याप्त है कि कहीं उनके साथ कोरोना संक्रमण भी गांव तक न पहुंच जाए। हालांकि लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन करें तो कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।